नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकरे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को कहा है कि गुजरात में अगर हम विधानसभा चुनाव जीतते हैं और सरकार बनाते हैं तो सबसे पहले राज्य के किसानों का 3 लाख तक का कर्जा माफ करने का निर्णय कैबिनेट की पहली बैठक में लिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए जो जरूरी चीजें हैं उस पर GST कम किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार में सरकार बनने के बाद की घटनाएं बताई, जिसमें उन्होंने पत्रकार की गोली मार हत्या, मुजफ्फरपुर लूट, शराब से हुई मृत्यु, चंपारण में सामूहिक दुष्कर्म, स्नैचिंग से जुड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में लूट का तांडव मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हाथी दिवस के मौके पर हाथी संरक्षणवादियों की कोशिशों की प्रशंसा की और बीते 8 वर्षों में हाथियों की संख्या में वृद्धि पर प्रसन्नता जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि विश्व हाथी दिवस के अवसर पर वे हाथी की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। भारत में सभी एशियाई हाथियों का लगभग 60% है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के पूर्व के एक वादे को लेकर शुक्रवार को ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के एक वीडियो को साझा कर लिखा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वह उसे मुख्यमंत्री बनने पर पूरा करेंगे। अभी तो वह उप मुख्यमंत्री है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,561 मामले मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस 12,35,035 हो गए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 39 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट से 5.44% पहुंच गया है। अब तक कोरोना से देश में 5,26,928 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 10 लोगों ने केरल में अपनी जान गंवाई है। बिहार राज्य में नवगठित महागठबंधन की सरकार का बहुमत परीक्षण 24 अगस्त को होगा, जिसे लेकर तेजस्वी यादव सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। बहुमत परीक्षण और आगामी योजना को लेकर महागठबंधन में शामिल दोनों पार्टियों की प्रमुख बैठक शुक्रवार को होगी। दरअसल कांग्रेस ने महागठबंधन सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा, जिसमें भारतीय एथलीट ने कुल 61 पदक जीते। भारत से इस बार 215 एथलीट्स कॉमनवेल्थ में हिस्सा लेने बर्मिंघम पहुंचे थे। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया और तस्वीरें भी खिंचवाई। टाटा ग्रुप में अब बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसमें शीर्ष पद पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति आने वाले समय में टाटा सन्स की किसी भी कंपनी का नेतृत्व नहीं कर पाएगा। कंपनी से लागू करने के लिए ट्रस्ट डीड्स में एक क्लॉज पेश करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ले रही है, जिसके बाद रतन टाटा दोनों कंपनियों की अध्यक्षता करने वाले अंतिम व्यक्ति होंगे। नीतीश के विपक्षी खेमे में आते ही पवन वर्मा ने TMC से इस्तीफा दे दिया है। पवन वर्मा ने ट्वीट पढ़ी, TMC से इस्तीफे देने का शुक्रवार को ऐलान करते हुए कहा, ममता जी कृपया TMC से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरा इतना गर्मजोशी के साथ TMC में स्वागत किया था। ऑल द बेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग खारिज कर दी है। जस्टिस SK कॉल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो कि चुनावों में EVM के इस्तेमाल से संबंधित है। BJP 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी। अरुण सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों की मूर्तियां पर माल्यार्पण किया जाएगा। हर जिले में मौन जुलूस निकाला जाएगा। हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है और वह लगातार दूसरे दिन भी एम्स की ICU में जीवन रक्षक प्रणाली पर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा से फोन पर बातचीत कर हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। PM मोदी ने राजू के इलाज में हर संभव मदद करने की घोषणा की है। जांच में उत्कृष्टता के लिए शुक्रवार को 151 पुलिस कर्मियों को वर्ष 2022 का केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया। किसी भी अपराध की जांच में उच्च मानकों को स्थापित करके पेशेवर रवैये को बढ़ाने, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा व अपने काम में असाधारण साहस का परिचय देने वाले को पुलिस कर्मियों को यह मेडल दिया जाता है।
यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट संस्था UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021 में भारत की 7.3% आबादी ने क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है और डिजिटल करेंसी रखने के मामले में दुनिया के टॉप 20 देशों में 7वें स्थान पर है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा 12.7% आबादी ने डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है। GST काउंसिल की बैठक में GST से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया, जिसमें घर के किराए से जुड़े नियम शामिल हैं। नियमों के मुताबिक अगर कोई किराएदार जिसमें शख्स या छोटा कारोबारी कोई भी शामिल हो सकता है GST के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे किराए पर GST चुकाना होगा। नए नियम 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर अयोध्या में लगभग 8000 मठ मंदिर में शान से तिरंगा फहराने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद प्रदेश सरकार ने आजाद के अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों सहित सभी प्रमुख मंदिरों पर इसका भव्य आयोजन होगा। लीजेंड्स क्रिकेट लीग में भारतीय टीम की कप्तानी BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली करेंगे। इस लीग में भारतीय टीम का नाम इंडिया महाराजा रखा गया है। लीजेंड्स क्रिकेट लीग में वर्ल्ड टीम के ओर से 10 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह मुकाबले भारत के 6 शहरों में 22 दिन के अंदर कुल 15 मुकाबले खेले जाएंगे। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि टीम इंडिया में विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के विकल्प तो मिल सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी का विकल्प मिलना मुश्किल है। उन्हें लगता है कि इन तीनों के विकल्प मिल सकते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी है जिसका विकल्प टीम इंडिया में नहीं मिल सकता और वो है हार्दिक पांड्या। अमरनाथ यात्रा के आखिरी पड़ाव में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समापन पूजा की है। पूजा के दौरान उपराज्यपाल ने लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की और कहा, मैं तीर्थयात्रियों के लिए इस कठिन यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों और नागरिक के निस्वार्थ योगदान की वास्तव में प्रशंसा और सराहना करता हूँ। देश में बढ़ते कोरोना को देखकर केंद्र ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोई बड़ी सभा ना हो और सभी लोग COVID-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रमुख स्थानों पर स्वच्छ भारत अभियान चलाने और स्वैच्छिक नागरिक भागीदारी के माध्यम से इन्हें स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक पखवाड़े और महीने भर तक जारी रखने को कहा है। डाक विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ से ज्यादा तिरंगे की बिक्री की है। अब तक ई पोस्ट ऑफिस सुविधा के जरिए 1.75 लाख से ज्यादा तिरंगे की ऑनलाइन खरीदारी की गई है। तिरंगे की बिक्री 15 अगस्त तक के लिए खुली है। डाक विभाग 20 इंच चौड़े, 30 इंच लंबे तिरंगे को मात्र ₹25 प्रति झंडा उपलब्ध करा रहा है। वंदे भारत की तीसरी ट्रेन बनकर तैयार हो गई है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्सप्रेस ट्रेन का मुआयना किया और इसमें लगे कुछ खास फीचर्स और तकनीक को बारीकी से समझा। 15 अगस्त को तीसरी वंदे भारत ट्रेन ट्रैक पर आ जाएगी। अभी इसको मिलाकर 3 वंदे भारत हो चुकी है। 1 साल में 72 और ट्रेनें पटरियों पर आएंगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 में भारत ने अपना परचम लहराया है। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में गेंदबाजों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने इस बार 10 टेस्ट मैचों में कुल 45 विकेट अपने नाम किए हैं। फिलहाल बुमराह चोट के कारण भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे के 75 साल बाद दो भाई एक दूसरे से मिले। पाकिस्तानी यूट्यूबर नासिर ढिल्लो ने इनकी मदद की। पाकिस्तानी यूट्यूबर 38 वर्षीय ढिल्लो का कहना है कि उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने दोस्त भूपेंद्र सिंह और एक पाकिस्तानी सिख के साथ लगभग 300 परिवारों को फिर से जोड़ने में मदद की है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यू 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों ने सबसे अधिक रोजगार गंवाए। दुनिया भर में 2022 में 73 मिलियन और 2021 में 75 मिलियन लोगों का रोजगार छिन गया था, जो कि 2022 से ज्यादा है। वही 2021 के शुरुआती 9 महीनों में 0.9% रोजगार छिने थे। क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति 14 के लेटेस्ट एपिसोड में अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि कंटेस्टेंट संपदा ने कोरोना महामारी में उनकी मदद की थी। जब हम COVID-19 महामारी की दूसरी लहर की चपेट में थे और ऑक्सीजन का संकट था, तो संपदा ने न केवल अपने जिले बल्कि आसपास के जिलों तक पहुंचने और जुड़ने में उनमें बहुत मदद की थी। ओवैसी ने देश के प्रधानमंत्री बनने पर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा ख्वाब है यह है कि देश एक ताकतवर मुल्क बने और अल्पसंख्यक, दलित और कमजोर लोगों को उनका एक जायज मुकाम मिले। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में है और इन समाज के लोगों को यह समझने की जरूरत है।
चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति धीमी होकर 20.43 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग निर्माण का आधिकारिक लक्ष्य 12,000 किलोमीटर रखा गया है। मंत्रालय ने 2019 से 20 में 10,237 किलोमीटर, 2020 से 21 में 13,327 किलोमीटर और 2021 से 22 में 10,457 किलोमीटर का निर्माण किया था। चीन के विदेश मंत्री वांगी ने नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का से बातचीत के दौरान नेपाल को 15 अरब डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है। खड़का ने चीनी प्रतिनिधि मंडल के सामने फिर से वन चाइना पॉलिसी के प्रति नेपाल की वचनबद्धता दोहराई है और वादा किया है कि नेपाल सरकार अपने देश की जमीन का चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की 3,00,000 ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समिति के जाल को मजबूत किए जाने की जरूरत है। देश में अभी तकरीबन 95,000 पैक्स है और इनमें से सिर्फ 65,000 पैक्स अच्छे से काम कर रहे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनमें नाम है एस सिन्हा, धनंजय कुमार, सुमन सौरभ, रूप नारायण पासवान, सुमन गौरव, सिद्धार्थ कुमार, रविशंकर, दीपक कुमार, रघुनाथ प्रसाद, धीरेन्द्र कुमार, इमरान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का लोगों के द्वारा जो बहिष्कार किया जा रहा है वो आपकी नजर में कितना सही या कितना गलत है? आप अपने सवाल का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।